हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। क्लास 8 के स्टूडेंट्स जो अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और स्कूल में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए इस वीडियो में मैं आपके प्रैक्टिस के लिए लेके आई हूं क्लास 9 एडमिशन टेस्ट या फिर क्लास 8 फाइनल एग्जाम टेस्ट के लिए इंग्लिश का एक सैंपल टेस्ट पेपर। इंग्लिश का ये मेरा दूसरा सैंपल टेस्ट पेपर है। पहला टेस्ट पेपर साथ ही मैथ्स और साइंस का सैंपल टेस्ट पेपर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप उन वीडियो को भी जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से सॉल्व करते हैं इस टेस्ट पेपर को। पेपर मैंने बनाया है 30 मार्क्स का और हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं, जिससे आप टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के बाद ये देख पाएं कि इस टेस्ट में आपका फाइनल स्कोर क्या आया है। एग्जाम हो कॉम्प्रीहेंशन यानी अनसीन पैसेज के सवाल एग्जाम में ज़रूर आते हैं। एक पैसेज दिया जाता है और उसे रीड करके आपको दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सभी के आंसर आपको दिए गए पैसेज में ही छिपा होता है। कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी सॉल्व करने का मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप ये है कि पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद आप पैसेज को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक बार जब आप क्वेश्चन रीड कर लेते हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, और जब आप पैसेज रीड करते जाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा उसे आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिससे आपको आंसर लिखने में समय कम लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन के इस पैसेज को मैं रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को रीड कीजिए और दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को समझकर सॉल्व करिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग या फिर लेटर राइटिंग का। यहाँ पर मैंने दिया है एक टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स लाइफ। इस टॉपिक पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। जब भी आर्टिकल लिखने को कहा जाएगा या तो वर्ड लिमिट दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप मिनिमम 150 टू 200 वर्ड्स में आप अपना आर्टिकल पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। खाली जगह में आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, ए एंड नो आर्टिकल। करेक्ट आंसर है नो आर्टिकल। इंग्लिश के पहले कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। मेंटेनेंस की 4 अलग अलग स्पेलिंग दी गई है, कौन सी स्पेलिंग सही है वो आपको लिखना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट हैज़ बीन रेनिंग डैश 2 o'clock। फॉर, फ्रॉम, अप टू, सिंस। करेक्ट आंसर इज सिंस। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock। कंट्रीमेन शुड लव डैश अनदर। 1, each, all, every. Correct answer is 1. Countrymen should love one another. Japanese dash make great advancement in technology. Are, where, has been, had been. Correct answer is are. Japanese are making great advancement in technology. क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेस। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो जम्बल्ड है, आपको उसे सही सीक्वेंस में मिलाकर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा अर्बनाइजेशन हैज स्प्रेड इट्स टेंटिकल्स एवरीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा अश्मिता एंड प्रीति वेंट स्केटिंग ऑन सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा इफ समवन बिट्रेज यू वंस इट्स हिज फॉल्ट, if he betrays you twice it's your fault. Next question, correct meaning of the word calamity is disaster, scourge, harm, injury. Correct answer is disaster. Question number 5, choose the most appropriate preposition. Don't cry dash over on split milk. Correct answer होगा don't cry over split milk. She made her way up the hill dash across, through, along a narrow path. आंसर होगा through. She made her way up the hill through a narrow path. Question number 6, combine the following sentences with appropriate conjunctions. Mother is at home, father is at home. आंसर होगा mother as well as father is at home. The police arrived, the crowd dispersed. आंसर होगा the police arrived, so the crowd dispersed. Ria is beautiful, her sister is equally beautiful. Answer is Ria is as beautiful as her sister. Number 7, change the voice of the given sentences. An earthquake destroyed the town. Answer होगा the town was destroyed by an earthquake. The minister was welcomed by the people. The people welcomed the minister. The manager will give you a ticket. You will be given a ticket by the manager. Question number 8. Rewrite the following sentences into indirect speech. The teacher said, "Do you want to ask any question?" The teacher asked if they wanted to ask any question. We don't travel much, she said. She said that they didn't travel much. She said she never gets up early on Sundays. She said that she never got up early on Sundays. फ्रेंड्स, मैंने इस वर्कशीट के द्वारा कोशिश की है जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर करूं। इसी तरह के और यूजफुल वर्कशीट मैं अपने वीडियो में लेकर आने वाली हूं। उम्मीद है इस वर्कशीट से आपको हेल्प मिलेगी। इसी आशा के साथ मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।